नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों कहते हैं यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। यही वजह है कि अधिकतर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर का नाम लेते हैं। इसलिए रोजाना सुबह उठकर स्नान के बाद ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ईश्वर की आराधना के साथ दिन की शुरुआत करने से दिन भर शुभ समाचार मिलते रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें सुबह करने से जीवन में कई तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। ये काम बेहद ही आसान है, जिन्हें कोई भी कर सकता है। मान्यता है कि इन उपायों से भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उन कार्यों के बारे में जिन्हें सुबह करने से शुभ फल मिलता है। दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि सुबह जब वह घर से निकले तो उसके साथ कुछ भी अशुभ ना हो, हर काम में सफलता मिले और किस्मत साथ देती रहे। हालांकि बहुत सी बातें कर्म पर निर्भर करती हैं, लेकिन ज्योतिष में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें सुबह के समय देखना अशुभ है। जैसे वास्तु के अनुसार सुबह उठकर अपनी या फिर किसी अन्य की परछाई बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। ऐसी ही तमाम बातें हैं जिनकी वजह से किस्मत साथ नहीं देती। दोस्तों घर के बुजुर्ग अक्सर ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिन पर युवा पीढ़ी ध्यान नहीं देती। सुबह उठकर क्या करें क्या ना करें, इन चीजों पर बुजुर्गों की नसीहत को भले ही ना माने, लेकिन ध्यान रखें कि वास्तु के अनुसार इन नसीहतों में वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपकी किस्मत को चमका भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह आँख खुलते ही कुछ चीजों को देखना बेहद ही अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम उन बातों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें सुबह उठकर अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों नंबर एक, रोजाना सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। इससे हमेशा पितरों की कृपा बनी रहती है और सूर्य ग्रह भी मजबूत होता है। दोस्तों तांबे के पानी में कुमकुम व लाल फूल रखें, इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नंबर दो, मान्यता है कि सुबह उठने के बाद स्नान कर धार्मिक किताबें जैसे वेद गीता के दर्शन होना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं यदि इन धार्मिक किताबों का पाठ करें तो अत्यधिक लाभ मिलता है। इससे शारीरिक और मानसिक तौर पर व्यक्ति दिन भर स्वस्थ महसूस करता है। दोस्तों नंबर तीन, शास्त्रों के अनुसार रोजाना सुबह उठकर कबूतर तोता कौआ व अन्य किसी भी तरह के पक्षियों को नियमित तौर पर दाना पानी देने से ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही इस उपाय से कुंडली में अशुभ फल देने वाले ग्रह भी शांत हो जाते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। दोस्तों नंबर चार, रोजाना सुबह स्नान आदि करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आप में काम करने की क्षमता का विकास होता है। इसी के साथ अब हम जानते हैं कि किन कामों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार दिन अच्छा गुजरे और आप अपने सभी काम अच्छी प्रकार से कर सकें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सुबह खुलते ही कुछ कामों को करने से बचा जाए। हम यहां आपको ऐसे ही चार कामों के बारे में बताएंगे जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, वरना दिन तो आपका बुरा जाएगा ही। यही आदत रही तो इस प्रकार से आप दुर्भाग्य को निमंत्रण देने के समान काम करेंगे। दोस्तों कहते हैं कि इससे आपके सभी काम बिगड़ेंगे, यहां तक कि बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। बेवजह की परेशानियां जीवन में आएंगी और आप उनमें उलझकर कभी भी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। नतीजा आपको असफलता के साथ पारिवारिक कलह और आर्थिक परेशानियां नुकसान आदि के रूप में भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों नंबर एक, वैज्ञानिक के अनुसार इस बात को पूरी दुनिया मानती है। रिसर्च में पता चला है कि सुबह में टूटा हुआ शीशा वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उसमें अपना चेहरा देखने पर व्यक्ति कंगाल हो सकता है, क्योंकि सुबह की पहली शुरुआत में आईने में नकारात्मक ऊर्जा होती है जो आपके पहले देखने पर आपके अंदर समाहित हो जाती है, जिसके कारण आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। इसलिए सुबह में आईना देखने से बचें। दोस्तों नंबर दो, कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी को अपने लिए शुभ मानते हैं और आँख खुलते ही सबसे पहले उसी का चेहरा देखते हैं।
दोस्तों शास्त्रों में सुबह आँख खुलने के बाद आईने में खुद को या किसी का भी चेहरा देखने से मनाही है। शास्त्रों के अनुसार आपको सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हुए आँख खोलनी चाहिए और अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। इससे पूरे दिन आप पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और आप अपने सभी काम पूरे ध्यान के साथ और सफलतापूर्वक कर पाते हैं। दोस्तों शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि सुबह किसी घमंडी व्यक्ति को या चरित्रहीन औरत को कभी भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों के सुबह सुबह दर्शन करना मनहूसियत चाहने के बराबर है। ऐसा करने से बचें और हो सके तो सबसे पहले माँ बाप या फिर भगवान के दर्शन ही करें। दोस्तों नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि सुबह में उल्टी चप्पल या मकड़ी का जाला या फिर धारदार चीजें देखने से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। पूरे दिन उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है, इसलिए ऐसा करने से हमेशा बचें। दोस्तों नंबर 4, सुबह उठते ही खाली बर्तन, खाली वॉलेट, लगभग सभी कुछ खाली देखने पर कामयाबी रूठ सकती है, इसलिए ऐसी चीजों को देखने से बचें। सुबह में लड़ाई झगड़े देखने पर घर में मनहूसियत छा जाती है, इसलिए दिन की शुरुआत मीठे बोलों से करनी चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की, खासकर पुरुषों की आदत होती है कि आँख खुलते ही सबसे पहले अखबार उठाते हैं या फिर न्यूज चैनल देखते हैं। दोस्तों अखबार को खबरों का स्रोत माना जाता है और दोस्तों खबर तो वही बनती है जो सेशन बन चुकी होती है। इससे बहुत हद तक नकारात्मकता का वास होता है, इसलिए सुबह पहले अखबार पढ़ना या फिर न्यूज देखना आपके दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह दिमाग में एक प्रकार की चिंता पैदा करता है और लंबी नींद के बाद आपके दिमाग में जो ऊर्जा एकत्रित हुई होती है उसे नष्ट कर देता है। वहीं दोस्तों दूसरी बात बताई गई है कि सुबह सवेरे किसी भी हिंसक पशु की तस्वीरें ना देखें और ना ही लड़ाई झगड़े करें। ये आपके शुभ ग्रहों की स्थिति खराब करता है और पूरे दिन आपके मस्तिष्क को बेकार की बातों में उलझाए रखता है। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि बहुत लोगों को उठते ही बेड टी की आदत होती है और वह बिना मंजन या ब्रश किए ही चाय या कॉफी का आनंद लेते हैं। ऐसा करने पर राहु केतु का प्रभाव बढ़ता है, इससे आपके जीवन में बेकार की परेशानियां आती हैं और सभी काम बिगड़ते चले जाते हैं। इसलिए सुबह अगर बेड टी लेते हैं तो ब्रश किए बिना कभी भी आप बेड टी ना लें। ब्रश करना संभव ना हो तो कम से कम सादे पानी से कुल्ला अवश्य कर लें। इसके अलावा सुबह सुबह उठते ही व्यक्ति को दूसरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, इससे पूरा दिन सब काम बिगड़ते जाते हैं। तो दोस्तों यह थी वो कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है और सुबह के समय ये गलती नहीं करनी है। ऐसा करने से आप हमेशा परेशानी में घिरे रहेंगे और आप किसी न किसी मुसीबत को दावत दे बैठेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगी? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।